नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की तरफ से सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में अब सभी को इंतजार एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर है। जानकारी के मुताबिक एनडीए में शामिल एलजेपी को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी और जेडीयू में लगभग सीट शेयरिंग को लेकर डील फाइनल हो गई है। इसी के साथ ही एक और बात सामने आई कि बीजेपी जेडीयू के बीच समझौते में अब नीतीश कुमार की स्थिति बड़े भाई की नहीं रहेगी। आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की चुनाव समिति की आज बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी के अलग राह लेने के बाद जेडीयू और बीजेपी में 50-50 के अनुपात में सीट बंटवारे पर सहमति हो गई है। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के जेडीयू के खाते में 122 सीटें आएंगी, जिसमें जीतन राम मांझी की हम पार्टी को भी उन्हीं सीटों में शामिल किया जाएगा, जबकि बीजेपी के खाते में 121 सीटें आ सकती हैं। अगर चिराग पासवान एनडीए में रहते हैं तो बीजेपी उन्हें अपने खातों की सीटों से सीट दे सकती है। हालांकि अभी चिराग पासवान का आखिरी फैसला होना बाकी है। जानकारी के मुताबिक रविवार को बीजेपी और जेडीयू सीट बंटवारे को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन सभी को इंतजार एलजेपी के फैसले का है। जेडीयू से नाराज एलजेपी का आगामी चुनाव में क्या रुख रहेगा, इस पर फैसला चिराग पासवान को लेना है। पहले माना जा रहा था कि शनिवार को एलजेपी की संसदीय बोर्ड की अहम बैठक में पार्टी कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन बैठक से ठीक पहले रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ने की वजह से ये बैठक टल गई। वहीं इस बैठक से ठीक पहले पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक ट्वीट के जरिए अपनी पार्टी के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर लोगों का आशीर्वाद मांगा। साथ ही इस ट्वीट से ये संकेत भी मिल रहे हैं कि एलजेपी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए से अलग विधानसभा चुनाव में उतर सकती है। चिराग पासवान ने इस ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। उन्होंने एक फोटो शेयर की और कहा कि उनकी पार्टी के सभी उम्मीदवार प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करेंगे। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी जेडीयू से शिकायत है। एलजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में 143 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ एलजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी बिहार चुनाव में उसे मिल रही सीटों से नाखुश है, इसलिए पार्टी ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।